What's up everybody, this is Arshi Khan and you're watching Student Khabri. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं difference between computer science and IT या फिर comparison between computer science and IT. CSIT, क्या लूँ यार, ये बहुत ही टंटे हो रखे हैं, मतलब इतनी confusion है. Because you know, मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स से इसका होता है कि मेरे अंकल कह रहे थे कि आईटी में प्लेसमेंट नहीं है, या फिर यू नो मेरे भैया कह रहे थे कि नहीं नहीं सीएस ज़्यादा अच्छा है, आईटी कम है. तो बहुत सारे मिथ हैं और वो सारे मिथ मैं आपको इस वीडियो में दूर करने वाली हूँ. सबसे पहली चीज़, अगर हम कंप्यूटर साइंस और आईटी की बात करें, ये दोनों ही जो स्पेशलाइजेशन हैं और ब्रांचेज हैं, ये कहीं ना कहीं कंप्यूटर सिस्टम में डील करती हैं. यस, भले वो हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करें, सॉफ्टवेयर्स की बात करें, आप जितनी भी वेबसाइट्स जो दिन भर आप स्क्रॉल करते रहते हो, आज के टाइम पर आई थिंक एवरीथिंग इज सॉफ्टवेयर, राइट फ्रॉम शॉपिंग, राइट फ्रॉम यू नो सर्चिंग ऑन गूगल, सर्चिंग ऑन फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, राइट, गेम्स, सारी चीज़ें, इट्स लाइक ऑल अबाउट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. बिकॉज यही जो लोग हैं वो ये वेबसाइट्स को बनाते हैं, सिर्फ बनाते नहीं हैं, इनको मैनेज भी करते हैं, भले उस पर 100,000 कस्टमर्स हो या फिर 1 करोड़ कस्टमर्स आए, राइट. सो दैट इज़ वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, कि अगर आप इवन करिकुलम की बात करोगे CSIT के, तो मुझे तो नहीं पता दोनों में क्या डिफरेंस है और ना ही मैं समझ पाई हूँ. 80% करिकुलम दोनों का ही सेम होता है. यस, एंड 100 में से 100 की कंपनीज अगर CS वाले को रिक्रूट करती हैं, तो IT एक आध दिक्का कंपनी होगी जिसका कहना होगा नहीं हम तो CS वाले को लेकर जाएंगे. अदरवाइज आई थिंक जो भी कंपनी CS को रिक्रूट करने आती हैं, वो IT वाले स्टूडेंट्स को भी रिक्रूट करती हैं. तो अगर तुम्हारे दिमाग में भी उल जलूल ख्याल है, या फिर ये उल जलूल थॉट्स है, राइट, आई इवन डोंट नो व्हाट इज उल जलूल. सो अगर आपके माइंड में भी ये थॉट है, तो ये आपको क्लियर कर देने चाहिए कि देयर इज नो सच डिफरेंस व्हेन इट कम्स टू कंप्यूटर साइंस एंड आईटी. दोनों में ही अगर हम बात करें, तो आपको एक तरह से सेम चीज़ पढ़ाई जाती है, भले वो डेटाबेस मैनेजमेंट की बात करें, हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, सिस्टम्स एंड डिज़ाइन की बात करें, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सिमिलर होती हैं. और दोनों में ही आप यू नो वेबसाइट एप्लीकेशंस डेवलप करते हो. जब आप किसी प्लेसमेंट में बैठते हो, तो ऑब्वियसली फर्स्ट लेवल का यू नो कोडिंग टेस्ट होता है, जिसके बेसिस पे आपको फर्दर प्रोसीड किया जाता है. तो अगर हम वो कोडिंग टेस्ट की बात करें, लेट्स से अगर आपने लैंग्वेज सीखी है, स्टार्ट फ्रॉम सी, गोज टू PHP, टू लारावेल, टू पाइथन, टू यू नो सो मेनी एडवांस लैंग्वेजेस जो कि अभी फॉरेन कंट्रीज यूज़ कर रही हैं, अगर आपने वो पढ़ा है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है. और आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है कि आप गूगल में भी जा सकते हो, आप माइक्रोसॉफ्ट में भी जा सकते हो, आप यू नो गोल्डमैन सैश में भी जा सकते हो, आपकी जितनी भी ड्रीम कंपनी, आप सब में जा सकते हो. सिर्फ एक ही की है, दैट इज स्किल्स. यस, यू नीड टू लर्न प्रैक्टिकल स्टफ. यहाँ पे आपकी डिग्री काम करने वाली नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इंजीनियरिंग करने में कुछ नहीं रखा हुआ है. बट मैं आपको बता दूं, अगर आपने सिर्फ डिग्री के लिए किया है, तो फिर कुछ भी नहीं रखा है. कंप्यूटर साइंस करने के बाद भी हो सकता है तुम्हें 5,000 की जॉब नहीं मिलेगी. मैंने एग्जाम्पल के तौर पर सुना है कि यार इंजीनियर्स को तो 5,000 की भी जॉब नहीं मिलती है. बट अगर तुमने प्रैक्टिकली सीखा है, तो यार 5,000 की तो दूर की बात है. तुम्हारी लाइफ में करोड़ों के पैकेजेस बहुत आम चीज़ हैं, जो कि हम IITs एंड IITs में और इवन कई सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में और गवर्नमेंट कॉलेजेस में देखते हैं. कि गूगल आती है, किसी बच्चे को 59 लाख का पैकेज, एक जापान की कंपनी ने किसी बच्चे को यू नो 90 लाख का पैकेज दिया. तो दैट इज़ वेरी नॉर्मल थिंग. सबसे बड़ी चीज़ कि अगर हम बात करें, दोनों ही ब्रांचेस में एलिजिबिलिटी सेम होता है. सेम मतलब 50% आपका 12th में होना चाहिए PCM के साथ. कई सारे IITs की काउंसलिंग के लिए आपके यू नो PCM में 75 होने चाहिए, जो इस साल कोविड की वजह से नहीं है, बट हर साल यू नो ये रहता है. देन उसके बाद अगर हम BitChat की बात करें, तो उनको PCM में 75 चाहिए, और इंडिविजुअल हर यू नो PCM के हर सब्जेक्ट में मिनिमम 60% चाहिए. तो डिफरेंट कॉलेज और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के हिसाब से ये चीज़ें वेरी करती हैं. अगर हम उसके अलावा बात करें, तो एंट्रेंस एग्जाम्स के बेसिस पे एडमिशन्स होता है, JEE, BitChat, WebGE, महाराष्ट्र CET, JEE एडवांस, राइट, देन VIT, देन देयर सो मेनी एग्जामिनेशन जो होते हैं, और आपको अपनी यूनिवर्सिटी, अपने कॉलेजेस के हिसाब से उनको टारगेट करना पड़ता है. एग्जाम्स पे भी मैंने वीडियो बनाई है JEE पे, BitChat पे. तो अगर आपने वो वीडियोस को चेकआउट नहीं किया, जाके चेकआउट करना है. और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लेना है, बिकॉज यहाँ मिलने वाली है इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारी अपडेट. मुझे ऐसा लगता है थोड़ा ज़्यादा तेज नहीं, बहुत स्पीड में बोल रही हूँ, थोड़ा सा आराम बोलना है, ताकि आपको भी समझ में आए. अगर आपको भी ऐसा लगता है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द एवरेज सैलरी, 30,000 रुपये से लेकर 3,00,000 की सैलरी होती है, राइट.
एवरेज पैकेज 3 लाख से लेके ऑब्वियसली करोड़ों के पैकेजेस जाते हैं टॉप रिक्रूटमेंट कंपनीज में, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, गोल्डमैन सैश, देन उसके बाद इन्फोसिस, ये सारी कंपनीज, TCS, कैपजेमिनी, डिलॉयट, ये सभी कंपनीज रिक्रूट करती हैं स्टूडेंट्स को, बिकॉज हर कंपनी को आज अपना बिजनेस ऑनलाइन चाहिए और ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए उनको लोग चाहिए. राइट नाउ एवरीथिंग इज ऑनलाइन एंड दैट इज द रीजन इन दोनों ब्रांच का क्रेज बढ़ रहा है. अब आपको CS मिलेगी, IT मिलेगी, तो लेट्स से अगर आपकी रैंक पर डिपेंड करेगा, आपके कॉलेज पर डिपेंड करेगा, अगर आपकी रैंक अच्छी होगी तो आपको CS मिलेगी, अगर आपकी रैंक नहीं थोड़ी सी कम रहेगी तो आपको IT मिलेगी. बट अगर आपको IT मिलती है तो आपको बिल्कुल हताश और निराश और अफसोसजनक नहीं होना है, आपको खुश होना है, बिकॉज फिर से यही कहूँगी दोनों ब्रांचेस में कोई फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत फर्क होता है और वो उतना मैटर नहीं करता है, बिकॉज मुझे पता है एज अ स्टूडेंट यार तुम्हारे लाइफ में मैटर करता है प्लेसमेंट, कितना पैसा मिलेगा यार. मैंने एक बार सुना था कि मुझे एक कॉलेज के किसी से मेरा इंट्रैक्शन हो रहा था, दे साइड कि हमने एक जगह कैनोपी लगाई थी जहाँ पे एक फेयर चल रहा था, वहाँ पे बच्चा आके पूछता है कि आप वो पूछते हैं कि आपको कैसा कॉलेज चाहिए, तो उनका ये कहना था कितना रोकड़ा मिलेगा. तो भैया अगर तुम्हें यार ये ज़िंदगी भी रोकड़े पर डिपेंडेंट है तो मैं फिर वही कहूँगी कि CS लो, IT लो, फ़र्क नहीं पड़ता है, बट प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, कोडिंग लैंग्वेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटर्नशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट है और वहाँ पे कॉलेजेस का रोल आता है. सो ये कंपैरिजन वीडियो था CS और IT के बीच में. अगर कोई चीज़ मैंने अभी भी स्किप आउट की है, हम एक्सपर्ट्स के साथ भी वीडियोज़ लेकर आएंगे, तो उसके लिए बने रहना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों, यारों, फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स, जिसके साथ भी शेयर करना है वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और ऐसी वीडियोस के लिए बने रहना है मेरे साथ. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.